श्री कृष्ण, वेलकम टू माय चैनल सास बहू का जायका। तो लीजिए, तैयार हैं हम आज फिर एक नई रेसिपी लेकर। तो हमने आज बनाया है क्रीमी मलाई कोफ्ता। तो आप देख रहे हैं किस तरह बनता है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले 1 लीटर दूध को मैंने उसमें गरम बॉईल करके उसे नींबू का रस डाल के उसे फाड़ लिया है, और फिर छेने को निकाल कर पानी सारा निकाल के उसे अच्छे से वॉश करके पानी निकाल लें, और उसे एक प्लेट में डालकर उसे अच्छे से फेंट लें। अब इसमें मैंने दो आलू, इसमें हमें दो आलू डालना है, और आलू डालकर इसमें कॉर्नफ्लावर डालें जितना आपको आवश्यकता हो। मैंने इसमें 1 चम्मच बड़ा कॉर्नफ्लावर डाला है, और फिर इसके अंदर कसूरी मेथी, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लावर से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। आप चाहे तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसकी आप चाहे इसके गोल बनाएं, चाहे आप इसे सिलेंडर शेप में बनाएं, आपको जैसे चाहे उस शेप पे इसके बॉल्स बना लें। चाहे बॉल शेप में बनाएं, चाहे सिलेंडर शेप में बनाएं। अब एक फ्राइंग पैन में ऑयल डालें और उसे चेक करने के लिए थोड़ी सी बॉल डाल के देखें कि हमारा ऑयल गर्म हुआ या नहीं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। पहले आप एक कोफ्ता डालें, आप उसे चेक करें, अगर वो नहीं फट रहा है तो और डाल दें, और अगर आपको लगे हमारा कोफ्ता फट रहा है तो उसमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल दें। इस तरह आप थोड़े से डालकर इसे मीडियम से लो आँच पर इन्हें फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। अब हमें ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी के लिए आपने 3 बड़े टमाटर, उसमें काजू, हरी मिर्च, अदरक और डालकर उसकी एक पेस्ट बना लें। अब एक कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में तेल डालें, उसमें जीरा, काली मिर्च, तेज पत्ता और हींग डाल दें। हींग डालकर ये प्यूरी उसमें डाल दें। अब इसमें मसाले डालने हैं, तो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें, और ढक्कन लगाकर इसे 5 से 7 मिनट मीडियम आंच पर पकने दें। बीच में चेक करते रहें। अब देखें अपने ऑयल आ गया ऊपर, तो इसके अंदर 2 चम्मच मलाई डाल दें और फिर से ढक्कन लगाकर इसे पकने दें। अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डालें, कसूरी मेथी डालें, और थोड़ा टेस्ट के लिए इसमें काला नमक भी डाल दें, उससे अच्छा टेस्ट आता है। अब हमारी ग्रेवी में हमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसके अंदर ज़रा सा दूध डाल दें। तो तैयार है हमारी ग्रेवी, अब इसे प्लेटिंग करें। तो इसके लिए हमने एक बाउल में उसमें कोफ्ते रखें, उसके ऊपर करी डालें, और फिर इसे आप जैसे चाहे इसे सर्व करना चाहे करें। मैंने इसे काजू से गार्निश किया है, तो आप चाहे जैसे गार्निश करें। और फिर हमें इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई की क्रीम, या आपके पास क्रीम है तो क्रीम डालें। मैंने घर की मलाई को कटोरी में फेंट के इस पे क्रीम डाल दी है। तो इस तरह आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी बनाने के लिए।